हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 9000 के अंदर आने वाले बेस्ट फ़ोन्स के, जिसमें आप गेम्स भी खेल सकते हैं, जिसका कैमरा, जिसके प्रोसेसर, जिसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं लाइन से आपको 9000 के अंदर फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा, जो एकदम लेटेस्ट फ़ोन है, सिर्फ उनके बारे में ही बात करेंगे और जो अच्छे हैं। गाइस, 9000 के अंदर फ़ोन्स में सबसे पहला फ़ोन आ जाता है सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी M01। इस फ़ोन में गाइस आपको मिलने वाला है 5.7 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले बोलता है सैमसंग इसको। आपको इसमें 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और आपको इसमें 13 MP का कैमरा देखने को मिलेगा और साथ में 4000 mAh का बैटरी, प्लस आपको मिलेगा 3GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज। आप इसको 512GB तक बढ़ा सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगा के। स्नैपड्रैगन की बात करेगा इस प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 439 आपको देखने को मिलेगा इसमें। इस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर प्राइस की बात करें गाइस, तो ये 8999 रुपये में आपको मिलता है। इसमें ड्यूअल रियर कैमरा मिलता है 13+2 MP का। फ्रंट कैमरा की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं 3.5 mm आपको ऑडियो जैक मिलेगा, साथ में आपको 4G देखने को मिलता है ये फ़ोन, FM रेडियो एक्सेट्रा आपको सब कुछ मिलने वाला है इस फ़ोन में। वही बात करें गाइस अगर दूसरे फ़ोन की, तो जिसमें दूसरा फ़ोन आ जाता है गाइस, इनफिनिक्स का Hot 9। गाइस, इसमें डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। MediaTek का हीलियो P22 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो थोड़ा अच्छा हो सकता था। वहीं कैमरा की बात करें गाइस, तो फ्रंट कैमरा आपको 13 MP का देखने को मिलता है। वहीं रियर कैमरा सेटअप की बात करें गाइस, तो 13+2+2 MP का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। गाइस, फ्रंट की बात करें तो आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉप नहीं है। आपको साइड में पंच होल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। रैम मैनेजमेंट की बात करें गाइस, तो 4GB RAM देखने को आपको मिल रहा है और आपको 64GB इंटरनल मेमोरी। बैटरी की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है, एंड्रॉयड 10 पे काम करता है गाइस। प्राइस की बात करें तो 8499 रुपये का फ़ोन है मात्र ये। गाइस, बहुत अच्छा फ़ोन है 9000 के अंदर और इंडियन ब्रांड है, मेड इन इंडिया भी है। अगला फ़ोन आ जाता है गाइस इसी प्राइस रेंज में, मोटरोला का Moto G8 पावर लाइट। गाइस, इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिस्प्ले में देखें तो गाइस, इसमें आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 720x1600 रिजोल्यूशन पिक्सल देखने को मिलेगा। वहीं बात करें गाइस अगर फ्रंट डिस्प्ले की गाइस, तो इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ कैमरा देखने को मिलेगा। फुल स्क्रीन है गाइस इसमें, 8 MP का फ्रंट कैमरा। रियर कैमरा की बात करें गाइस, तो ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलता है इसमें, 16+2+2 का ट्रिपल कैमरा स्लॉट। बैक में पॉलीकार्बोनेट है, मोटो लोगो के साथ आपको बैक में फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलता है। रैम मैनेजमेंट की बात करें गाइस, तो 4GB RAM इसमें मिलेगा आपको, 64GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा, साथ में 5000 mAh का बैटरी और एंड्रॉयड 9 पाई पे काम करता हुआ ये फ़ोन, जो कि इस प्राइस रेंज में 8999 रुपये में काफ़ी अच्छा बजट सेगमेंट का फ़ोन हो जाता है गाइस। हल्के फुल्के गेम्स भी खेल सकते हैं आप इसमें, 4GB RAM के साथ तो आप ऑफकोर्स खेल ही सकते हैं। पबजी में तो 4GB RAM चलता ही है, 3GB RAM में भी चलता है, पर 3GB RAM में थोड़ा लैग करता है। 4GB RAM में सही शॉट चल जाता है, ये नहीं कहूँगा कि एकदम स्मूथ चलता है, पर हल्के फुल्के गेम्स आप खेल सकते हैं, बहुत देर तक नहीं खेल सकते। अगला फ़ोन आ जाता है गाइस रियलमी की तरफ से, रियलमी Narzo 10A। इस फ़ोन की बात करें गाइस, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ये भी सेम वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, फुल डिस्प्ले है गाइस ये भी। अगर बात करें इसके डिस्प्ले साइज़ की, तो 6.5 इंच का डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिलेगा। स्क्रीन रिजोल्यूशन सेम है गाइस, 720x1600 का। प्रोसेसर की बात करें गाइस, तो इसमें आपको MediaTek का हीलियो G70 देखने को मिलेगा। वहीं मोटरोला 8 पावर लाइट जो था, उसमें आपको MediaTek का हीलियो P35 देखने को मिलेगा, P35 देखने को मिल रहा था, पर इसमें G70 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है प्रोसेसर के मामले में गाइस। वहीं अगर इसके कैमरा की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा। रैम मैनेजमेंट की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 3GB RAM और 32GB RAM मिलेगा। बैक कैमरा की बात करें गाइस, तो इसमें आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा स्लॉट, जिसमें आपको मिलेगा 12+2+2 का ट्रिपल कैमरा। वहीं बात करें गाइस अगर इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें गाइस, तो 8499 रुपये का मिलता है। वहीं अगर मोटो और नार्जो 10 को कंपेयर करें, तो 500 का फ़र्क है सिर्फ गाइस। इसमें कैमरास अच्छे हैं और रैम ज़्यादा दिया हुआ है मोटोरोला में, और नार्जो 10 की बात करें तो प्रोसेसर इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, पर रैम 3GB दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं प्राइस के हिसाब से, आपको जो ब्रांड पसंद है उसके तरफ जा सकते हैं। अगला फ़ोन आ जाता है गाइस इसी प्राइस रेंज में, 8999 रुपये में, रियलमी का रियलमी C3, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है गाइस।
डिस्प्ले की बात करें, ये भी सेम गाइस 6.52 इंच का डिस्प्ले है, रिजोल्यूशन सेम है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें गाइस, तो हीलियो G70 इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेम रियलमी नार्जो 10A का कॉपी है। प्लस गाइस इसमें आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें गाइस, तो 5 मेगापिक्सल कैमरा को आप छोड़ दीजिए, पर इसमें आपको मिल रहा है गाइस 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी। वहीं आपको मिल रहा है 5000mAh का बैटरी गाइस। तो मतलब आप हीलियो G70 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। वहीं नार्जो 10 में भी आपको वहीं मिल रहा है, पर उसमें आपको रैम कम मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। तो गाइस ये फ़ोन 8999 रुपये में रियलमी C3 किलर हो जाता है गाइस। बहुत अच्छा फ़ोन है, आप इसके तरफ जा सकते हैं गाइस। 6.52 इंच और इसका डिस्प्ले थोड़ा उस नार्जो से 2 इंच बड़ा भी है, 0.2 इंच बड़ा है, ज़्यादा नहीं गाइस। सो इसी प्राइस रेंज में अगला फ़ोन आ जाता है गाइस, वीवो का U10। ये फ़ोन भी अभी 9000 के अंदर में आपको मिल जाएगा गाइस। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो डिस्प्ले आपको 6.35 इंच का डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें गाइस, तो इसमें 720x1544 आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर इस स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है गाइस, प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलेगा इसमें आपको। फ्रंट कैमरा की बात करें गाइस, तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा। रियर कैमरा की बात करें गाइस, तो 13+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। रैम मैनेजमेंट की बात करें गाइस, तो 3GB का रैम इसमें देखने को मिलेगा आपको, साथ में 32GB का इंटरनल मेमोरी। वहीं भाई अगर बात करें गाइस इसके बैटरी की, तो इसमें आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड्रॉयड 9 पाई पे काम करता है गाइस, ये अभी अपडेट आ चुका होगा। और इस प्राइस रेंज में गाइस ये बहुत अच्छा फ़ोन है। इसके प्रोसेसर को देख के मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कि 665 आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो मैंने आपको बताया इतने सारे फ़ोन्स, तो अगर आप लेटेस्ट फ़ोन ही चाहते हैं, तो आप मोटरोला और सैमसंग और रियलमी के तरफ जा सकते हैं। और आप लेटेस्ट नहीं चाहते, थोड़े पुराने भी चलेंगे, तो आप इन फ़ोन्स को भी मैंने बताया है जिसका भी प्राइस कम हो गया है, तो आप इनके तरफ भी जा सकते हैं। पर आपको इसमें थोड़ी बहुत कमी हर फ़ोन में है गाइस, क्योंकि ये 10000 के अंदर 9000 के अंदर की जो फ़ोन्स आते हैं इसमें ऐसा ही रहता है। कहीं प्रोसेसर अच्छा है तो रैम कम है, रैम अच्छा है तो प्रोसेसर थोड़ा सा कम कर देता है। तो सारे फ़ोन्स अच्छे हैं गाइस, सारे फ़ोन्स में आप पबजी खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, पर आप हैवी गेमर हैं तो आपके लिए ये फ़ोन नहीं है गाइस। टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं तो भी आप नहीं, इतना स्मूथ नहीं चलेगा, पर हाँ बहुत अच्छे से आप खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी के साथ वीडियो हो जाता है ख़त्म गाइस। आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको किसी एक फ़ोन का अच्छे से रिव्यू चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया है तो। थैंक यू गाइस।